गणपति बाप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य। ऑडिशंस में वेरिएशन जो हमें चाहिए थी वो करण भाई ने दी और मज़ेदार एकदम। करण भाई तो अपने हैं, काम करके इनके साथ मज़ा आता है, अक्सर अच्छे रिजल्ट देते हैं, मतलब हमें ज़्यादा। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज मेरा है ऑडिशन और वो भी है वेब सीरीज के लिए। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सुप्रभात गाइस। आज का दिन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज मेरा है ऑडिशन और वो भी है वेब सीरीज के लिए। जिस प्रोडक्शन हाउस के लिए मैं ये वेब सीरीज का ऑडिशन देने जा रहा हूँ उनके साथ पहले ही मैं दो प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, दो शॉर्ट फिल्म कर चुका हूँ और आज उन्होंने मुझे वेब सीरीज के लिए बुलाया है, वो भी ऑडिशन है आज मेरा। ऑडिशन के लिए मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ और एक्साइटमेंट है, मज़ा आएगा और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ऑडिशन होता है, क्या प्रोसेस होती है। तो फ्रेंड्स मैं जाता हूँ रेडी होने के लिए ऑडिशन के लिए, आप लोग बने रहिए, देखते रहिए। गाइस मैं हो गया हूँ तैयार और बस निकलते हैं ऑडिशन के लिए। गणपति बाप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य। गाइस अभी हम छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे हैं और यहाँ से हम मुझे जाना है पहले कश्मीरी गेट और कश्मीरी गेट से मुझे पकड़नी है रेड लाइन। रेड लाइन वेलकम, वेलकम टू बाबरपुर और बाबरपुर में है मेरा ऑडिशन और दिल्ली मेट्रो से हम जाएंगे और लेट्स सी, देखते हैं कैसी जर्नी रहेगी हमारी वहाँ तक ऑडिशन तक। और बस आधा रास्ता कम्प्लीट हो गया, 50% हम पहुँच चुके हैं और अभी हम कश्मीरी गेट पर हैं और हम यहाँ से रेड लाइन पकड़ेंगे वेलकम के लिए, वेलकम से बाबर। मैक्सिमम 20 मिनट्स का और है, ठीक है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं बाबरपुर जहाँ मेरा ऑडिशन होने वाला है गाइस। एक घंटा 20 मिनट का रास्ता था और पहुंच गए हैं। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होगा। यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है अंदर जाने का, जहाँ पे ऑफिस है। ओके मिलते हैं वहीं। उसको मेमोराइज कीजिए और इम्प्रोवाइज करके बोलूंगा, तो मैं बस उस डायलॉग को पढ़ रहा हूँ और इम्प्रोवाइज करके उनके सामने रख दूंगा। तो देखते हैं कैसे जाएगा ऑडिशन। और गाइस मैं आपको ऑडिशन दिखाना चाहता हूँ पर मैं ऑडिशन नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि वो एक मतलब एक हर प्रोडक्शन हाउस का एक अपना सिस्टम होता है, अपना एक तरीका होता है कि उसे कैसे करना है क्या है, तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा पर मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या कैसे हो रहा है और कैसे क्या करना है। तो अभी तक तो यही प्रोसेस है कि मुझे छोटी सी स्क्रिप्ट मिली है, मुझे इसको पढ़ के और अंदर परफॉर्म करके दिखाना है, इम्प्रोवाइज करना है। दैट्स इट। ओके गाइस ऑडिशन हो गया कंप्लीट, अच्छा एक्सपीरियंस रहा और साथ साथ ही मुझे मज़ा भी आया और भी बहुत सारी चीज़ें की थी ऑडिशन में, जैसे कि नए नए टैलेंट्स, नए नए लोगों से मिला और साथ साथ ही जो मेरा DOP है ना, जो मेरा खास दोस्त भी है वो भी मेरे साथ है और बाकी वो बताएगा कि कैसे
कैसे रहा, क्या रहा मेरा ऑडिशन भाई साहब? जरा गुरुजी हमारे बताओ जरा ऑडिशन कैसा रहा हमारा? बढ़िया, एकदम जबरदस्त ऑडिशंस में वेरिएशंस जो हमें चाहिए थी वो करण भाई ने दी और मजेदार एकदम। करण भाई तो अपने काम करके इनके साथ मजा आता है, अक्सर अच्छे रिजल्ट देते हैं। मतलब हमें ज्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ता कि करो ऐसा करो या वैसा करो, वेरिएशन अक्सर इनके पास होते हैं। बहुत अच्छा, कीप इट अप। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो ऑडिशन हो गया खत्म और हम चले अपने घर की ओर। ऐड हो चुका हूँ। ऑडिशन बहुत अच्छा रहा और बहुत सारी मस्ती भी की। बहुत थका हुआ हूँ, ज़्यादा नहीं पर ठीक है। और कम से कम बाबरपुर से घर आने में मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हाँ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। ओके बाय गाइस।